बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार सा मटन का सालन रेडी करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से मटन करी कैसे रेडी होने वाला है, मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर गाइड करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मटन करी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त। मटन का गोश्त था जिसको मैंने धो के बास्केट में डाल दिया, और साथ ही साथ कुछ साबुत मसाले हम ऐड करने वाले हैं। तो मेरे पास है 3 अदद मीडियम साइज़ के अनियन, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ी कट नहीं किया, ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 अदद टमाटर, इनके भी मैंने छिलके उतार लिए, इनको भी रफली कट कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूँगी। फ्लेवर्स कढ़ाई तो मैंने रख दी है फ्लेम के ऊपर, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑयल। तो व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और जब तक ये गर्म होता है हम अपने साबुत मसाले देख लेते हैं जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है शाही ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ले ली है काली मिर्च, 4 अदद मैंने ले लिए हैं लौंग, 1 तेज़पात ले लिया है, 2 से 3 पीसेस मैंने ले लिए हैं दालचीनी के, 2 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं, और यहाँ पर 1 मेरे पास है बड़ी इलायची, और यहाँ पर है 2 अदद छोटी इलायची। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तकरीबन 30 सेकंड के लिए सबको कर करा लेते हैं, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, 30 सेकंड तो हो चुके हैं, इन सारे स्पाइसेस को हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अनियन। तो व्यूअर्स, अनियन ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं लाइट गोल्डन कलर आने तक। व्यूअर्स, प्याज का कलर तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोश्त। तो व्यूअर्स, इसको भी हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम मैंने किया हुआ है, मीडियम फ्लेम में इंशाल्लाह ये 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, गोश्त को भी हमने भून लिया है 5 मिनट के लिए, और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर व्यूअर्स मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको भी गोश्त के साथ भून लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। गोश्त के साथ लहसुन अदरक को भूनने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी, और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा गोश्त के अंदर। तो देखिए व्यूअर्स, लहसुन अदरक के साथ भी हमने गोश्त को भून लिया तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया करें। तो लीजिए व्यूअर्स, फ्लेम तो मैंने स्लो कर दिया, क्योंकि स्पाइसेस हम एकदम से ऐड करें तो वो जल जाते हैं, इसलिए आपने फ्लेम स्लो करना है। यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया है सोर्स मिर्च, 1/4 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस के साथ भी हमने गोश्त को भून लिया, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो व्यूअर्स, टमाटर के साथ भी हम गोश्त को भून लेते हैं, टमाटरों के साथ ही हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च मैंने काटी है, थोड़ी सी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी हम बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। और टमाटर और हरी मिर्च के साथ हम गोश्त को भून लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम गोश्त को भून लेते हैं। व्यूअर्स, बुनाई तो हो चुकी है मुकम्मल, हमने अच्छे तरीके से भून लिया सारे स्पाइसेस के साथ, टमाटर हरी मिर्च के साथ, और जो भी इसके अंदर सारे इंग्रीडियंट्स ऐड किए थे वो सारे अच्छे तरीके से भून चुके हुए हैं। बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। यहाँ पे व्यूअर्स, मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको बॉयल आने देते हैं। देखिए व्यूअर्स, गोश्त को बॉयल आ चुका है, तो बस अब हम इसको कवर करके रख देते हैं स्लो फ्लेम पे, और स्लो फ्लेम पे हम इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये टेंडर नहीं हो जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट में इंशाल्लाह ये टेंडर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप गाइड करूँगी। तो आइए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं, तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा स्पून भी स्टर किया था। तो ये देखें व्यूअर्स, पानी भी खुश्क हो चुका है, और हम चेक कर लेते हैं क्या गोश्त गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना अच्छा परफेक्टली गल चुका हुआ है, बहुत मज़ेदार सा यमी सा। तो चलिए अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। 1/2 टीस्पून ऐड कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। कोशिश किया करें कि रोस्ट करके ही यूज़ करें ये दोनों चीज़ें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
और ये भी आप कोशिश किया करें कि ये बिल्कुल आप आखिर में ऐड करें ताकि सालन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और हाफ टी स्पून में ऐड कर देती हूँ गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया काट के रखा हुआ है और जो हरी मिर्चें हमने कटी हुई बचा के रखी थी ये भी स्प्रेड कर देते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है फ्रेश क्रीम, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं कर दें, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। चलिए व्यूअर्स, अब इसको 2 मिनट के लिए हम रखते हैं दम पे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आइए व्यूअर्स, 2 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। ये देखें माशाल्लाह से कितना कमाल का लग रहा है और इसकी लुक देखें कितनी वंडरफुल लग रही है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो है साबुत मसाले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर बे लीफ डाला था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह डाली थी, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इनको अलग कर लेते हैं और अब हम चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स कितना कमाल का लग रहा है, ये देखिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी के साथ हमने बहुत ही मज़ेदार सा मटन करी रेडी कर लिया। तो व्यूअर्स, इसको आप नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या हमीरी रोटी के साथ इंजॉय करें, जिस तरह भी आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा धनिया स्प्रेड कर देते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी। तो देखा व्यूअर्स कितनी जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा मटन करी रेडी कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही लजीज बना है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ट्राई करने के बाद आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी से व्यूअर्स जाइए, बनाइए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।